सबको नमस्कार। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का अभियान खूब जोर शोर से चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब से 45 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है, मैं खुद कई जगह देख के आया। स्कूलों के अंदर ये टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है और हमारे युवाओं में खासकर जबरदस्त उत्साह है। खूब युवा आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। जो सरकार ने व्यवस्था की है, अरेंजमेंट्स किए हैं, उसको लेके भी लोग बहुत खुश हैं। लगभग 100 स्कूलों के अंदर अभी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है और इसको अब हम बढ़ा के 3 गुना करने जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर लगभग 300, 250 से 300 स्कूलों के अंदर हम ये व्यवस्था कर देंगे। आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं, 50,000 45 साल से कम उम्र के लोगों को और लगभग 50,000 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। तो मोटे मोटे तौर पे 1 लाख इंजेक्शन दिल्ली में डेली लग रहे हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से आके, फरीदाबाद से, सोनीपत से, गुड़गांव से, गाज़ियाबाद से, नोएडा से, आसपास के इलाकों से आके लगवा रहे हैं और उन्हें भी दिल्ली के अंदर की व्यवस्था बहुत पसंद आ रही है। लेकिन आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन्स की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेस, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर दिल्ली, पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए, तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। 3 महीने में पूरा करने के लिए हमें कितनी वैक्सीन चाहिए? मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। बहुत ही मोटे मोटे तौर पे 1 करोड़ लोग 18 से 45 साल के बीच के हैं, 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं, 50 लाख लोग 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। तो 1 करोड़, 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए, 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं, तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख, 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं, तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। 80-85 लाख वैक्सीन हर महीने लगाने के लिए डेली 3 लाख वैक्सीन लगाने पड़ेंगे। आज हम 1 लाख वैक्सीन और ऑलरेडी लगा रहे हैं 100 स्कूलों में। इसको जैसा मैंने बताया, 300 स्कूल करने जा रहे हैं हम लोग, तो हम अपनी कैपेसिटी 3 लाख वैक्सीन पर डे बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जबकि हमने व्यवस्था शुरू कर ली है, हमें पता है कि कैसे करनी है और अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं, तो 3 लाख वैक्सीन पर डे हम लगा सकते हैं, दिल्ली सरकार लगा सकती है। आज की डेट में भी 1 लाख लगा रहे हैं। अगर हमें समुचित 80-85 लाख वैक्सीन पर मंथ मिल जाए, तो हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। यहाँ इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही जरूरत पड़ेगी। जैसा मैंने बताया कि पूरे NCR रीजन से, गुड़गांव से, नोएडा से, गाज़ियाबाद से, फरीदाबाद से, आसपास के सभी इलाकों से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो जितना मैं कह रहा हूँ, इससे थोड़ी ज़्यादा ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन कम से कम इतनी ज़रूरत तो हमें पड़ेगी पड़ेगी। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं। पिछले कुछ दिनों से हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के
प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है एक तरह से कि थर्ड वेव भी आ सकती है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है, लोग भी बड़े चिंतित हैं कि पहली और दूसरी, ये दूसरी वेव तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर तीसरी वेव भी इसी तरह की रही तो पता नहीं क्या होगा। तो तीसरी वेव से भी अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पूरी दिल्ली को अपने को वैक्सीनेशन कर लिया तो यही एक चीज़ है जो हमें तीसरी वेव से बचा सकती है, यही एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो अपने को तीसरी वेव से बचा सकता है। तो उस दिशा में आपकी सरकार, दिल्ली सरकार, पूरे प्रयास कर रही है और हमें केंद्र सरकार से, जैसे केंद्र सरकार अभी तक मदद करती आई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसमें भी मदद करेगी। हमें खास तौर से बच्चों की बड़ी चिंता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, अभी युवाओं को, बच्चों को अभी ये वैक्सीन नहीं लग सकता। मेरा सभी एक्सपर्ट से और केंद्र सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीन दी जा सके, उनको भी वैक्सीन लगाई जा सके। आज की डेट में हमारे पास 5 से 6 दिन की वैक्सीन दिल्ली में बची है जो कि हम पूरी तेजी से लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उचित मात्रा में दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। नमस्कार।